Hey everyone, my name is Dhruv and welcome to my YouTube channel iDhruv. In this video, I'll be covering my new space, my new workspace. Kehlo ya phir mera nayi jagah jahan par hum apna kaam kar sakenge, hum apna kaam niptaya karenge. So, ye video hone wale dedicatedly usi room ke bare mein. Ek room tour dunga aapko, ek room specification dunga ki how was my earlier space and ye space usse kaise different hai. And obviously, this is quite big. Without wasting any more time, let's get started with the video. I'm pretty sure that you all must be wondering कि room मेरा नीचे है तो मैं छत पे क्या कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरा room obviously नहीं है. एक काम करो, मुझे से नीचे जाके पूछो. है लो. So due to echo, I won't be able to vlog over here क्योंकि यहाँ पर अभी acoustic sound panels का काम करना पड़ेगा. फिर उसके बाद यहाँ पर echo कम होगी. सो जब तक मैं एक डिसेंट सेट ऑफ एक्विस्टिक फोम, मतलब जो साउंड प्रूफिंग के फोम्स होते हैं, वो नहीं लेकर आता, वहाँ से साउंड एको होती रहेगी. बिकॉज कंसिडर दिस एज अ वॉल, एंड अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो साउंड टकरा कर पूरे कमरे के अंदर एको क्रिएट करेगी. जब जब आप एक वर्क स्पेस शिफ्ट करते हो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं. एक रूम आपकी एक खुद की स्पेस होती है जहाँ पर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना सारा सामान रखते हैं. मेरे छोटे वाले रूम के अंदर जो आपने काफ़ी वीडियोस में पहले देख चुके हो, वो छोटा था, बड़ा था, उसके अंदर छोटा सा एक वॉशरूम था, काफ़ी स्मॉल एरिया था, सामान ज़्यादा था, रूम छोटा था. अब रूम बड़ा हो गया लेकिन सामान यहाँ पर कम है, तो उस हिसाब से इस रूम शिफ्टिंग के अंदर आपके भाई ने करी है खूब सारी मेहनत, तो उस मेहनत को ज़रूर देखना. एंड इफ़ यू एनीवे न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल. यहाँ पर बेल आइकन दबाना अनिवार्य है और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई तो. कि दिस वुड बी अ व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो दैन एन अपडेट काइंड ऑफ वीडियो आप सबके लिए. एंड ऑल्सो माई डियर ऑडियंस, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आपको कोई वीडियो सजेशन देना हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड कोई चीज़ इम्प्रूव करनी हो तो प्लीज़ वो भी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना. सोचा है दो चार वीडियोस निकाल दिए, आपको एक रूम टूर तो देना बनता है क्योंकि अब जो ये रूम है वो मेरा यानी आप सभी का वो नहीं रहने वाला है. ये जो आलीशान कमरा है हमारा, ये घुसते के साथ ही खत्म हो चुका है. इस रूम के अंदर सारी की सारी यूटिलिटी की स्पेसेस, जगहें, चीज़ें एंड हर चीज़ आपको मिल जाएगी क्योंकि इस रूम को मैंने ना दिल से भरा है. भरना जिसे कहते हैं ना, दिल से भरा है, वो किया इस रूम के अंदर मैंने. सो यहाँ पर आ जाता है बेड हमारा. फिर यहाँ पर जो ये जाली है, ये भी एक जुगाड़ से बनाई है कि मान लो कि ट्रेसपास ना कर पाए हमारी स्पेस को. और अंकल आंटी की भी एक कहानी है, ज़रूर सुनाऊंगा आपको. फिर ये जो शेल्फ है, मेनली बुक्स, लैपटॉप, बैग, ये मेनली एक स्टोरेज एरिया है मेरे लिए. वॉशरूम मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा लेकिन ये ज़रूर से एक ग्लिम्स दिखा दूंगा ऊपर ऊपर से. हमारा स्टोरेज एरिया हो गया, जितने भी मेरे शूज है ना, यहाँ आ जाते हैं हमारे सर के ताज, हमारे हेलमेट. सो गाइज, दैट वॉज ऑल ऑफ माई रूम टूर. यू कैन सी ऑल अराउंड द बेड, द शेल्फ, द ऑल दैट हैज. सामान लूँ क्या, सामान लूँ अब ये सारा तो चलो बाद में जाएगा. थोड़ा एम्प्टी द कंप्यूटर टेबल, नो, क्योंकि मेरे को वो सारा सामान निकालना है जो मैं उस स्टोर में रख सकता हूँ क्योंकि बाहर अभी काफ़ी ऑल्टरेशन होंगे. तो मैं सिटी से बोलते हैं, एक छोटा सा कबर्ड है, एक ये दिस टेबल, आई थिंक आई शुड शिफ्ट दिस दीज टू. जूते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्लोर जब 20 मंजिल बन जाए ना, क्योंकि तुम्हें 10 बार चढ़ना है और 10 बार उतरना है. ये चीज़, वो चीज़, ये सारी चीज़ें एक एक करके ऊपर जाएंगी. ये हो चुका है खाली, तो अब है बारी इसकी. हालत खराब हो गया सच में, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा. कुछ सामान इतना सारा उठा के लेकर आना, दो दो फ्लोर ऊपर,
यहाँ का थोड़ा जो नक्षत्र है ना, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पर इस कमरे का, क्योंकि मोस्टली जो रूम है हाफ हाउस के ऊपर बना हुआ है, सो दिस मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि साइड में इतना बड़ा रूम है पूरा। सो अपडेट ये है कि सारा सामान जो है वो अब ऊपर आ चुका है, एंड द फाइनल टचिंग इज द वॉशिंग ऑफ रूम। से मैंने यहाँ पे पाइप वगैरह लगा दी, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करते हुए सर्फ वगैरह डाल दिए, एंड फटाफट मांज कर दूंगा इसको साफ एकदम। इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्लोर क्लीनिंग इज ऑल डन, मतलब सारा झाड़ू पोछा गंद वंद साफ हो चुका है, नाउ द फाइनल मॉपिंग इज लेफ्ट। सो वी आर ऑल सेट टू ब्रिंग आवर न्यू फर्नीचर्स एंड प्रॉपरली शिफ्ट आवर रूम, बिकॉज द रूम इज ऑल क्लीन नाउ। It's been actually 2 hours this wrap on the windows because it looks good when the windows थोड़ी खाली खाली लग रही थी, and yes I want a closure space, तो मैंने इसीलिए किया। फटाफट इसको सेट करते हैं एंड फिर आपसे करता हूँ बात। रूम देख लिया, मेहनत कितनी लगी है सारा सामान ऊपर ले जाने में, इतना सारा बोझ इतनी बड़ी बड़ी टेबल में उठा कर ऊपर ले गया हूँ, उसके लिए जितनी भी स्ट्रेंथ मैंने लगाई मतलब मज़ा आ रहा था। इट इज़ न्यू रूम सो इसकी एक्साइटमेंट में खींच खींच के तो ले गए ऊपर, लेकिन बाद में पता चला पूरी पूरी टेबल की लकड़ियाँ पड़ गई नीचे से। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। जो हालत टाइट सामान जमाने में हुई थी कि कहाँ टेबल आनी है कहाँ बेड आनी, क्योंकि मेरे लिए तो एकदम ही न्यू रूम है। ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे बालकनी पे लगेंगे, ये स्पेशल तैयार करे हैं। सो बॉटनी प्रिपेयर करने का मतलब ये था ताकि डिसेंट लगे, एंड ऑब्वियसली दैट वुड रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल और द डस्ट लेवल इन द रूम दैट एग्जिस्ट्स। सो एनी ग्राफिक डिजाइनर और रूम क्रिएटर जिसके पास अच्छे आइडियाज हो दैट हाउ शुड आई मेक माई रूम, दैट वॉट शुड आई एड टू माई रूम, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो और जस्ट इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वॉन्ट टू मेक दिस रूम सुपर यूनिक and obviously great. So comment your thought and just tell me in the comment section below, like this video and follow me on Instagram. I'm pretty sure that you have all watched this video till here, till last. आपने देखा होगा कैसे एक पुराने रूम से नए रूम तक ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जहाँ पर सारा सामान मैं ऊपर लेकर आया, टेबल को धक्का मार के सीधा ऊपर लेकर आया खिसका कर, एंड अलमीरा कमरे के अंदर रखी हुई है, वो एक पुरानी अलमीरा थी उसको मैंने यहाँ रखवा लिया फॉर स्टोरेज एंड ऑल, रैप कर देंगे सबको पूरा। एंड जो विंडोज़ के ऊपर आपने देखा रैप लगाना ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न्स कि कोई कमरे के अंदर ताक झाक ना करे, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ भूला तो नहीं। कल वीडियो डिलीवर करनी है, ये व्लॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुआ था, तो इस चक्कर के अंदर कोई ज़्यादा कंटेंट अगर कुछ मिस हो गया हो आई एम वेरी सॉरी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू क्रिएट न्यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।